बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुए हिंसा प्रकरण में पुलिस ने गुरुवार की सुबह शिखर अग्रवाल को हापुड़ जनपद से गिरफ्तार कर लिया। घंटों की पूछताछ के बाद जांच टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बता दें कि शिखर अग्रवाल बीजेपी का स्याना कस्बे का वर्तमान नगर अध्यक्ष है, जो हिंसा मामले में नामजद आरोपी है। शिखर अग्रवाल को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उसे 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आज सुबह हापुड़ से गिरफ्तारी की गई। शिखर अग्रवाल को सुबह पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद दिन भर उससे पूछताछ हुई। उसके बाद उसे कोर्ट लाया गया, यहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि आखिर 40 दिन तक शिखर अग्रवाल था कहां। हम आपको बता दें कि ये बीजेपी का स्याना क्षेत्र का नेता है और 40 दिन के बाद पुलिस के पकड़ में ये आ पाया है, जिससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसे किसी का संरक्षण जरूर मिल रहा था। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।